अगर कुछ भी YouTube से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, समस्या है, तो हमारे चैनल पर जाइए, जुड़िए और देखते हैं और कौन कौन जुड़ता है। और दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि मैं अभी समय हूँ बाहर, जैसा कि देख रहे हैं, और सेटअप ना होने की वजह से मुझे बाहर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप नॉर्मली सस्ते में भी माइक ले ट्राइपॉड ले सकते हैं, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह से आप ले सकते हैं, छोटे मोटे या इससे भी हल्के भी सस्ते में आते हैं, इस तरह से लेके आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ब्लॉगिंग भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली हम अपने ऑफिस पहुँच चुके हैं। देखिए जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं हमें देख के अभी खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। ठीक है, मेरे हाथ में देख रहे हैं कुछ इक्विपमेंट है, और ये ट्राइपॉड है जो ब्लैक कपड़े में देख रहे हैं। ठीक है, मतलब यहीं पे मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूँ, तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज का एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ अपने घर से, और दोस्तों ये मेरा एक तरह से स्टूडियो है, लेकिन अभी बना नहीं, और आज से काम चालू हो गया है, तो बहुत जल्दी ये स्टूडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो आगे हम अपडेट देते रहेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ का भी दिखाएंगे। फिलहाल मैं अभी चल रहा हूँ लाइव करने अपने सेकेंड चैनल में, जिसका नाम है सूरज रियल टेक, तो उस पर मैं लाइव आने वाला हूँ। तो मुझे लगा एक ब्लॉग बनाना चाहिए कि मैं कैसे शूट करता हूँ, कहाँ पर जाके शूट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है घर पर, यानी इस जगह पर जहाँ पर मैं हूँ, यानी घर पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काम लगा है और यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो मैं अभी यहाँ से चलूँगा कुछ दूर, यानी 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे चल के लाइव आने वाला हूँ। तो चलते हुए मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सबको दिखाया जाए। चलिए दोस्तों बने रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैं लाइव में एक बार दिखाया था कि ये मेरा सेटअप है, मतलब यहीं पर मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूँ, तो देख रहे हैं कुछ इस तरह से नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। बाकी मैं बताना चाहूँगा कि आज से काम यहाँ पर लग गया है। ये देखिए गिट्टी बालू यहाँ पर ढोकर ला कर रख दिया गया, सीमेंट भी ला कर रखा गया, यहाँ पर सीमेंट रखा हुआ है। ठीक है, और ये सब काम रह गया है, तो यहीं पर हमारा सेटअप बनेगा। और यहाँ से आसपास का लोकेशन आप सभी को दिखाना चाहूँगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारे घर से लोकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हरा भरा सीन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से। बाकी आपको यहाँ से कुछ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए वहाँ पे जो लेबर होते हैं यानी कारीगर होते हैं, अभी वहाँ पर बालू रखा है, तो बालू वो लोग ढो के ला रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से काम लगा हुआ है। बाकी हम चलते हैं, तो हमें टाइम पे वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि हमें लाइव आना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है, तो अभी हम चल रहे हैं, और मनीष को मैंने फ़ोन किया है, साथ में मेरे साथ मनीष है, तो अभी जस्ट मैंने मनीष को कॉल किया है, मनीष भी आ रहा है, बाइक हम लोग चलेंगे, तो आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बने रहेगा दोस्तों, और ये ब्लॉग एक तरह से काफ़ी अलग होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। आप सभी को बोलना चाहूँगा कैसे मैं लाइव आता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो भी आप सभी को अभी देखने को मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं, और आप सभी को जैसा होगा आगे का सीन हम दिखाएंगे बताएंगे। ठीक है, मेरे हाथ में देख रहे हैं कुछ इक्विपमेंट है, और ये ट्राइपॉड है जो ब्लैक कपड़े में देख रहे हैं। ठीक है, फाइनली दोस्तों घर से निकल चुका हूं और आ गया हूं रोड पे, और मनीष को मैंने कॉल किया है, तो हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि अभी उसका जस्ट कॉल आया था। ये देखिए कब से वेट कर रहा था ये यहाँ पर खड़ा होके, क्या वेट कर रहे हो। चलो भाई के पास चलो, एक बार हाय तो पहले कर दो, हाँ भूल जाते हो क्या। चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, और बाइक हम लोग चलेंगे, बाकी आगे का जो भी होगा आपको दिखाएंगे बताएंगे। दोस्तों फाइनली हमारा ऑफिस आने वाला है यहाँ से कुछ ही दूर, क्योंकि ये आउट एरिया है और यहाँ पे समझिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो जंगल एरिया कैसे कह सकते हैं आप लोग। अभी आप सभी को दिखा दूँगा, ये देखिए इस साइड आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, और ये मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं शाम के टाइम, अक्सर यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। बाकी हमारा जो ऑफिस है ये देख रहे सामने, जो 2 पेड़ दिखाई दे दूर, वो हमारा ऑफिस एक तरह से कह सकते हैं। अभी आपको चल के दिखाता हूँ, देखिए वहाँ पे नीलगाय है, दिख रहा है इधर नीलगाय है, और यहाँ पे कुछ गांव वाले हैं जो कि भैंस गाय चरा रहे हैं, और वहाँ पे वो मेरा ऑफिस है जो कि समझ सकते हैं, कुछ जानवर वहाँ जाके बैठे हुए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ, जिसको गाँव में नीलगाय बोलते हैं, नीलगाय, या हमारे देसी भाषा में बोलते हैं नीलगाय। ये देखिए बड़े बड़े कांटे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये देख रहे हैं एक नहर है छोटा सा, यहाँ पे हमेशा पानी था, लेकिन आज देख रहे हैं खाली खाली से दिख रहा है, मतलब खाली है, और यहाँ से पानी नहीं निकला, और यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, देखिए अभी काट दिया गया है,
और बाकी ये रास्ता है जाने के लिए, और हमने हम लोगों ने बाइक वहाँ पे खड़ा कर दिया, क्योंकि देखिए ये नहर है ना, इसके आगे नहीं आ सकता है, तो ग्राउंड है उसी ग्राउंड के पास हम लोग खड़ा कर दिया है, और सामने से वहाँ से हम लोग चल के आए हैं। ये भी रास्ता था लेकिन यहाँ पे पानी नहर होने को जैसे देखिए टूट गया है तो आगे नहीं आ पाएगा। बाकी चलते हैं आगे की साइड, ये देखिए, चलिए वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं, कुछ मेहमान आए हुए हैं तो आपको मेहमान दिखाता हूँ कि कौन कौन मेहमान है, और ऐसे मेहमान आप सभी ने शायद कभी देखा होगा। तो दोस्तों फाइनली हम अपने ऑफिस पहुंच चुके हैं, देखिए जो गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं हमें देख के अभी खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो लोग डर रहे हैं। ठीक है, रुको अभी हम आप लोग को यहाँ पानी पिलाएंगे, रुक जाओ। ये देखिए सब भागना शुरू कर दिए हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, इन लोगों को डिस्टर्ब किया इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों यही हमारा एक एरिया है जो कि यहाँ पे जल्दी कोई आता नहीं है। नीलगाय के बच्चे हैं, ये देखिए जो ये ब्लैक वाला ना बहुत डेंजर दिख रहा है, और इसका जो सिंग होता है ना, सिंग बहुत नुकीला होता है, बहुत बच के रहना पड़ता है, कभी कोई अटैक कर देते हैं। देखिए सब भाग गए, हम लोग को देखते ही भाग गए, देखिए कुछ वहाँ पे खड़े हैं, देखिए चारों तरफ भाग गए, कुछ उधर भाग गए, कुछ उधर भाग गए, ठीक है उधर भी भाग गए। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग वहाँ से चल के आए हैं, ठीक है, और ये हमारा सेटअप रहा, यहीं बैठेंगे, यहीं से लाइव आएंगे, और सामने रोड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये जो है रोड है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूं, ये एक तरह से इंडिया का समझ रहे सबसे यूनिक ऑफिस है। फिलहाल अभी जब तक मेरा ऑफिस नहीं बन रहा है, मतलब रियल में जो या स्टूडियो जिसको बोलते हैं, जब तक बन नहीं जाता तब तक हम यहीं पे लाइव आते हैं, यहीं से मैं अक्सर देखा जाए हमारा वीडियो शूट होता है, बाकी गंगा नदी किनारे भी जाके मैं शूट करता हूँ। ठीक है, तो ये दो लोकेशन है, मोस्टली मैं इस दो लोकेशन पर वीडियो अपना शूट करता हूँ, लाइव आना होता तो मोस्टली मैं इसी जगह पर आता हूँ, यहीं से मैं लाइव आता हूँ। और आपसे बताना चाहूँगा मेरे साथ है मनीष आज, ठीक है मनीष कुछ बोलना चाहोगे? तो अभी इनका जो चैनल है अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे, इनका शूट हो जाने के बाद मैं अपना वीडियो खुद शूट करूंगा। अभी मैं पहले लाइव आऊंगा, ठीक है, लाइव आने के बाद मनीष के साथ मैं चलूंगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग से मतलब मोटो ब्लॉगिंग एक तरह से कह सकते हैं वीडियो बनाते हैं, पहले मैं अपना शूट कर लूँगा, इसके बाद निकलेंगे हम दोनों साथ में। यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर है, 8 से 10 किलोमीटर हम लोग चलेंगे, तो वहाँ पर हम लोग शूट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं अपना शूट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग वहाँ चलेंगे। फिलहाल आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से लाइव आता हूँ, थोड़ा आप सभी को दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी मोबाइल मैंने मनीष को दे दिया है, मनीष शूट कर रहा है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे अपना ट्राइपॉड लगा रहे हैं, देखिए मेरे पास ये ट्राइपॉड है। फिलहाल दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये ट्राइपॉड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लीजिए आप टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप नॉर्मली सस्ते में भी माइक ले ट्राइपॉड ले सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरह से आप ले सकते हैं छोटे मोटे, या इससे भी हल्के भी सस्ते में आते हैं, इस तरह से लेके आप वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ब्लॉगिंग भी करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो फिलहाल मैं लाइव आता हूँ, तो इसके लिए ये मैंने बड़ा ट्राइपॉड लिया है। तो दोस्तों जब मैंने इसको बाय किया था, उसे बताना चाहूँगा, इसका उस समय प्राइस करीब मुझे लग रहा है 3,000 के आसपास था, मुझे क्लियर याद नहीं है। ठीक है, और इस तरह से देखिए मैंने स्टैंड लगा लिया है, इसके बाद इसका जो माउंट है यानी यहाँ पर मोबाइल हम माउंट करेंगे, इस तरह से लगा दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास एक मोबाइल है, एक मोबाइल मतलब शूट हो रहा है, एक मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा, जिससे मैं आप सभी को मैं कमेंट पढ़ूंगा, अगर मैं लाइव आता हूँ तो कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए पहले से ही हमारे कई भाई लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे आए हैं महेश शर्मा जी, उनका कमेंट आ चुका है, सारे व्यूज मेरी ही अलग अलग आईडी से चेक करो, आपको चेक कर लेंगे भाई, नो व्यूज चेक करो। ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, चलिए अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोग आना शुरू कर दिए हैं, तो आइए फटाफट जुड़िए जितने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल अभी देखिए सब लोग आ चुके हैं, चलिए जितने लोग आ रहे हैं सबको बोलना चाहूँगा प्लीज़ यार सब लोग लाइक करते जाओ, और यहाँ पे सबका कमेंट मैं पढ़ूँगा एक बार। इंडियन बेस्ट करके इनका चैनल है, हेलो भाई आपको भी, बी मैक्स ब्लॉग्स 01 करके इनका चैनल है, हेलो भाई आपको, सब लोग आ जाइए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और भी जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जो लोग आ रहे हैं आपको सभी बोलना चाहूँगा यार लाइक करते जाओ, ठीक है, और मेरा चेक करो। बिल्कुल भाई चैनल चेक होगा, इसलिए मैं आया हूँ, आप सभी का चैनल चेक किया जाएगा। तो फिलहाल मैंने सोचा कि आज दोपहर में आ जाए, एक घंटे का टाइम निकाल के आया हूँ दोस्तों, फिलहाल 1.5 घंटा हो जाएगा मुझे पता है, आप कभी चैनल चेक करता हूँ तो समय पता नहीं चलता है। ठीक है, श्याम प्रभा करके चैनल लगता है। बाकी जो लोग नए हैं सभी को बोलना चाहूँगा, अगर कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, समस्या है, तो हमारे चैनल पर जाइए जुड़िए, और देखते हैं और कौन कौन जुड़ता है। और दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा कि मैं अभी समय हूँ बाहर, जैसा कि देख रहे हैं, और सेटअप ना होने की वजह से मुझे बाहर ही वीडियो बनाना पड़ रहा है, सेटअप बन जाएगा तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँगा, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरा एक चैनल है जिसका नाम है सूरज रियल ब्लॉग। चलो भाई पैकिंग हो गया,
हाँ भाई, अब लाइव तो खत्म हो गया, पैकिंग नहीं करेंगे, यहीं रहना है। और लाइव देखने के लिए ये सब आए थे। कहाँ से आए? अरे छुप रहे हो? गांव का नाम बता दे। भाग मारो सके सके। गांव नाम बता देना। ना ही मैं नहीं बता, कहते यहीं से आई है। कहाँ से? क्या नाम है? यूकेश निषाद। बीपी निषाद। क्या करने आए हो? घूमने टहलने। अच्छा, फिलहाल हमारा पैकिंग होने वाला है भाई, बहुत हो गया लाइव, आज करीब 1.5 घंटे लाइव रहे एकदम। हाँ हो रहा है ना शूट? चलो हाँ हो रहा है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने आज का ब्लॉग करके दिखाया है, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो काफ़ी मेहनत लगा है दोस्तों, और जैसा कि आप सभी को मैंने दिखाया कि किस तरह से मैं लाइव आता हूं जब मैं अपने टेक वाले चैनल पर आता हूं। तो दोस्तों, यहां पर आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप लोग YouTube से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड वाले चैनल पर जाइए, जिसका नाम है सूरज रियल टेक और इस चैनल का नाम है सूरज रियल ब्लॉग। तो दोनों मेरा चैनल है, चैनल पर जाकर सपोर्ट करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ जल्दी से एक नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।